नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे स्प्रेडर स्टोकर के बारे में। जो स्प्रेडर स्टोकर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो जो स्प्रेडर स्टोकर है ये एक अवर फीड स्टोकर है। अवर फीड, जो हमने पहले भी बात की थी कि अवर फीड स्टोकर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या था, उसकी वर्किंग का, तो हमने पहले अवर फीड स्टोकर को डिस्कस किया था। आज हम उसी का एक टाइप डिस्कस करेंगे, स्प्रेडर स्टोकर। तो स्प्रेडर का मतलब क्या होता है? बिखेरना। किसी चीज़ को अगर हम हिंदी में बात करें तो बिखेरना, किसी चीज़ को छिड़काना, छिड़काव करना, स्प्रेड करना, फैलाना। तो स्प्रेडर स्टोकर क्या है? इसके अंदर हम कोल को फैलाते हैं ग्रेट के ऊपर और एक बार बार उसको फैलाते रहते हैं, जिससे क्या है, कोल की बर्निंग अच्छी होती है और हमारी जो हीट पैदा होती है फर्नेस से वो अच्छी होती है। तो स्प्रेडर स्टोकर जो है एक अच्छा स्टोकर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि हमारी चेन ग्रेट स्टोकर के अंदर है या अंडर फीड स्टोकर के अंदर है। स्प्रेडर स्टोकर के अंदर हम लो ग्रेड फ्यूल भी, जो कोल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अवर फीड टाइप स्टोकर है। तो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये सारी जो है ये है फर्नेस। फर्नेस जहाँ पे जो फ्लेम्स हैं वो पैदा होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्यूल जो है बर्न होगा और हीट पैदा होगी। यहाँ पे है, ये है ग्रेट, ये ग्रेट है। इस सरफेस के ऊपर कोयल, जो कोल है हमारा, वो बर्न होगा, कोयला। तो कोयल कहाँ से आएगा हमारा? कोल आएगा यहाँ से, ये है होपर, कोल होपर हम इसको बोलते हैं, कोल होपर। तो कोल होपर में यहाँ पे कोल के पार्टिकल होंगे, यहाँ पे कोल के पार्टिकल होंगे। यहाँ पे लगा है फीडर, इसको हम बोलते हैं फीडर। फीडर का काम क्या होता है? फीड करना, आगे इस कोल को फीड करना। और उसके बाद लगा है स्प्रेडर। स्प्रेडर का काम क्या है? फैलाना। फैलाना किस चीज़ को? जो कोल आएगा उसको फैलाना। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से जब ये रोटेट करेगा, जो हमारा फीडर है इसके ऊपर ये ब्लेड लगे हैं, तो ये जो कोल है आगे फीड होगा, आगे फीड होगा तो वो जाएगा स्प्रेडर के पास। इस स्प्रेडर के पास, इस स्प्रेडर में पैडल से लगे होते हैं, जैसे ही ये घूमते हैं इस तरह से, तो ये उसको फेंक के उधर दूर फेंकते हैं। तो फेंक के मारते हैं इसको, तो जो ये कोल है इस ये फैलता जाता है इस तरह से, इसके अंदर जो है फैलता जाता है जो फर्नेस है। तो इस तरह से फैल कर ये ग्रेट के ऊपर गिरता है, यहाँ पे ग्रेट सरफेस पे गिरता है। इसके अंदर कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो बिल्कुल फाइन होते हैं, क्योंकि एक मिक्सचर होता है ये कोल। तो जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो हवा में ही बर्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हीट होती है जब नीचे से कोयला बर्न होता है। तो जो फ्लेम्स के अंदर ये जो पुलवराइज्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइन, या फिर कह सकते हैं पाउडर, जो कोल के पार्टिकल हैं वो पहले ही बर्न हो जाते हैं, और जो हमारे हैवी पार्टिकल हैं वो इस सरफेस पे एक लेयर की तरह गिरते रहते हैं। यहाँ से देखिए, प्राइमरी एयर का पैसेज दिया गया है, ये प्राइमरी एयर है, यहाँ से प्राइमरी एयर जाएगी। प्राइमरी एयर का काम क्या होगा? जब वो एफडी फैन के थ्रू, जो फोर्स ड्राफ्ट फैन होता है उसके थ्रू इन के अंदर एंटर करेगी। ये ट्यूयर्स हैं या पाइप से आप इनको बोल सकते हैं। यहाँ से एफडी फैन के थ्रू, फोर्स ड्राफ्ट फैन के थ्रू, थोड़ी सी प्रेशराइज होके हाई वेलोसिटी के साथ इसके अंदर एंटर करेगी। इन पाइप्स के थ्रू ग्रेट से होती हुई वो इस कोल से टकराएगी, इस कोल से टकराएगी। और जो इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो उसको सुखा देगी। दूसरा, ये इसकी जो मॉइस्चर या वोलेटाइल मैटर है उसको लेके बाहर जाएगी, और इसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी, जो कि ऑक्सीजन होगी इस एयर में, O2, और इसके जो यहाँ पे कार्बन होगा, जहाँ पे कोल बर्न होना स्टार्ट होगा, रेड हॉट होगा, उसके कार्बन के साथ मिलके ये CO2 बनाएगी। तो जिससे क्या होगा, काफ़ी अमाउंट में हीट भी निकलेगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी यहाँ कंज्यूम होती रहेगी। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो यहाँ पे हमें मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक, या हम कह सकते हैं कि हार्मफुल गैस है। उसको ब्रेथ करना ह्यूमन के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो ऑक्सीजन की प्रॉपर यहाँ पे सप्लाई हमें चाहिए होती है, जो प्राइमरी एयर से मिलती है, जिससे कि कोल की बर्निंग में, यहाँ हीट पैदा होने में हेल्प मिलती है। लेकिन जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है,
उससे क्या होता है, इसकी ऑक्सीजन की जो इसके अंदर क्वांटिटी थी वो ख़त्म होती चल जाती है, सारी वो कंज्यूम हो जाती है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है हमें यहाँ से सेकेंडरी एयर की ज़रूरत पड़ती है, ये यहाँ से हम इसको सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो एयर है ये एयर अपने साथ वोलेटाइल मैटर को ऊपर लेके आती है। वोलेटाइल मैटर या फिर हम कह सकते हैं कम्बस्टिबल गैसेस यहाँ पे बनती हैं, जो कम्बस्ट हो सकती हैं, जल सकती हैं, तो वो ऊपर आती हैं। जब ये सेकेंडरी एयर यहाँ पे आती है तो वो एक टर्बुलेंस इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करती है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी देती है, जिससे क्या होता है यहाँ पे फ्लेम की तरह बर्निंग पैदा होती है और यहाँ पे हमें हीट मिलती है। उस हीट का हम यूज़ करते हैं बॉयलर्स के अंदर। तो इस तरह से जो ये स्प्रेड स्टोकर है ये काम करता है, स्प्रेड करता रहता है। ये अकॉर्डिंग टू इसकी स्पीड जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें जितनी हीट चाहिए। तो इसकी सप्लाई को हम कम या ज़्यादा, या फिर स्प्रेडर जो है उसकी कितनी परत हमें चाहिए उस हिसाब से हम बना सकते हैं। तो इस तरह से स्प्रेडर स्टोकर काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।